तक नहीं होती तो ये गाड़ी घर तक वापस आती कि नहीं सोबत। प्रशासन की लापरवाही है, ट्रक तीन दिन से लगा हुआ था। प्रशासन अगर वो ट्रक खाली कर देती प्रशासन तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि कहीं न कहीं सिंगिया प्रशासन लापरवाही कर रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होता है लेकिन कोई सिंगिया थाना मुर्दाबाद। और आपको ये भी बता दें जो सही सबसे बड़ा दोगला है, सबसे बड़ा दोगला है। नमस्कार, आप देख रहे हो Mew 27। अभी हम उपस्थित है थे सिंगिया थाना क्षेत्र के कैना मुड़वारा में। देर रात यहाँ पे हाईवे पे ट्रक को एक दूसरी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का नंबर है BR21G A25 31 25 31। यही ट्रक का दूसरी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता आज से तीन दिन पहले। लेकिन किसी कारणवश न यहाँ पे प्रशासन आती है न यहाँ पे इसको हटाया जाता सड़क से। पुलिस प्रशासन से जब बात होती है तो बैठ देने से इनकार करते हैं, लेकिन भरबल वो बताते हैं कि हमारे पास ये जे इसको हटाने के लिए कोई साधन नहीं था, जिस कारण इसको तीन दिन से हटाया नहीं गया। यही घटनाक्रम में एक बारात जाता यहीं से, करीब की बारात जाती है रात में, और रात में उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो सामने से टकरा जाती है। और जो आपको दिखाएंगे कि पीछे गाड़ी है वो डायरेक्ट इससे टकरा जाती है, और उसमें बैठे लगभग 5 आदमी सब स्पॉट पे डेथ हो जाते हैं। और ये भी ट्रक जो देख सकते हैं, इसका जब एक दूसरी ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो उस समय में आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवर सीट के पास से ही ज़्यादा क्षति हुई है और ड्राइवर की स्पॉट पे ही डेथ हो जाता है। और जो ये ट्रक से दूसरी ट्रक का हुआ वो ट्रक भाग जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि जो कल रात में जो चार चक्का गाड़ी बारात जा रही थी और उससे जो हुआ एक्सीडेंट उसकी क्या स्थिति है। देख सकते हैं कि पूरा क्षति हो गया ये गाड़ी में, लेकिन इसको तीन दिन पहले से न प्रशासन ने देखा न कोई हटाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, इसको हटाना चाहिए था। हाईवे है, तेज़ रफ्तार में गाड़ी जाती रहती है और उसके बाद कभी भी घटना हो सकती है। यही क्रम में देर रात में बारात में गाड़ी जा रही थी और उसके बाद यही स्कॉर्पियो है, आप देख सकते हैं ये सामने में स्कॉर्पियो है, किस तरह से इसमें एक्सीडेंट हुआ है कि पर्चा उड़ गया है इतना फास्ट थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब देखिए पूरा गाड़ी ब्लड से भरा हुआ, आप अगर देख सकते हैं कि पूरा गाड़ी अंदर से अगर कैमरामैन दिखाएं आके कि कैसा अंदर का स्थिति है, पूरा गाड़ी एकदम चूर हो गया है, मतलब कि एक भी इसमें नहीं बचा। स्पॉट पे ही तीन से ज़्यादा का मौत हो गया और उसके बाद दो को रेफर किया गया है हॉस्पिटल में, उसकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी गलती है, और क्योंकि तीन दिन पहले ट्रक लगा था, ये बारात जा रही थी। बारात तो बारात में आजकल चलन हो गया है कि जो बारात जाते हैं काफ़ी फास्ट में गाड़ी जाती है, सब नए यंग रहते हैं, खाना पीना एकदम मस्त मज़े में रहते हैं और गाड़ी एकदम धड़ल्ले से हवा की स्पीड में जाती रहती है। इस सब पे भी रोक लगना चाहिए कि तेज़ रफ्तार से मीटर लगा रहना चाहिए कि अगर इससे स्पीड ज़्यादा जाती है तो उस पर फाइन किया जाए। कहीं ना कहीं बहुत गलतियाँ हैं। और उसके बाद ये गाड़ी की भी मान लेते हैं, ये ड्राइवर की भी मान लेते हैं अगर कहीं, तो इसमें प्रशासन की भी गलती लगती है, क्योंकि अगर प्रशासन अगर इसको सही टाइम से ये ट्रक को हटा देती तो ये दुर्घटना नहीं होती। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कब की घटना है, कितने आदमी कैजुअल्टी हुए। ऐसे भरवली अभी बताया जा रहा है कि 5 आदमी का मृत्यु हुआ, एक भी नहीं बचे, सबका स्पॉट पर ही डेथ हो गया। आप गाड़ी देख के ही पता कर सकते हैं। आइए हम आपको कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पर करीब में हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्या बजे की घटना है। 11:30 कहाँ से बारात जा रही थी? कहाँ से बारात जा रही थी? ओ, कहाँ से आ रहा था मेरा को नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं। कितना आदमी आप घटना पे आए थे यहाँ पे? हाँ, घटना के टाइम में तो यही बात जगने घटना था, जगने चौकीदार के पास बैठल थे वहीं पे। ओके, ओके। चौकीदार के मोबाइल से फिल्म देख रहे थे। तो कै गो आदमी यहाँ पे डेट किया? लगभग 5-6 हुआ है। सब मर गया यहीं पर? यही मरा, क्या मरा नहीं पता है, मरा तो यहीं पर। एक्सीडेंट हुआ तो बहुत जोर से आवाज़ हुई होगी? तो बहुत जोर से आया था, सामने मार दिया था, पीछे से मारा। बहुत स्पीड गाड़ी था, बहुत स्पीड। हाँ, कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी गलती है इसमें, कौन इतना स्पीड जो चलाएगा। ड्राइवर गलत था, बहुत स्पीड गाड़ी था, तब ब्रेक भी नहीं मारा, डायरेक्ट ठोकिए दिया उसमें गाड़ी, इतना घसक गया एक हाथ गाड़ी। अच्छा, तीन दिन पहले जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ तो प्रशासन नहीं हटाई, तो प्रशासन का भी यहाँ पे गलती है कि नहीं? तो है नहीं, तो
प्रशासन का भी गलती है। जब एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का तो प्रशासन यहाँ पर आई थी? हाँ, जखने आया था प्रशासन तो प्रशासन के सब सब जनता लोग मारने लगा। मारने लगा तो प्रशासन भाग गया। फिर काफ़ी आक्रोश हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे जाम भी चल रहा था, प्रशासन किसी तरह से काबू की है और उसके बाद जाम को रोका गया है। लेकिन ये देखिए, ये पूरा पार्ट पुर जाइए, इंजन का पार्ट है, ये पूरा बिखर गया। मतलब कितनी रफ्तार में गाड़ी होगी कि पुर्जा उड़ गया। अब देख के ही आपको ये गाड़ी अब स्क्रैप में ही जा सकती, ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ नहीं बचा है इस गाड़ी में, जान भी गई और गाड़ी भी गई। ग्रामीण, हाँ बोलिए सर, आप कुछ बोलेंगे ये घटना पे? क्या नहीं, हम तो अभी लिलोल से क्षेत्र रहने वाले हैं। हाँ। मगर आते जाते रहते इधर। हाँ। तो देखते, एक महीना पहले भी यहीं पे हुआ था, गाड़ी वाला फुल स्पीड में चलाते। मगर मतलब आज का चलन हो गया है कि तेज रफ्तार में जो जितना चलाएगा उतनी अच्छी बात है क्या? इसको जो प्रशासन भी नहीं कुछ कहता जी। प्रशासन के पास वैसा इक्विपमेंट नहीं है कि तेज रफ्तार से जा रही है उस पर ऑनलाइन फाइन किया जाए, वैसा मीटर नहीं है। बिहार में तो बस है, कहीं कहीं है चुमिंदा जगह पे, इसकी भी मुहैया कराया जाए हर एक थाना को। ये हर एक थाना को जो किया जा रही है, कंट्रोल किया जाए इस। और कुछ व्यक्ति से हम बात कराएंगे आपको, क्योंकि तेज बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। ग्रामीण लोग उधर बाजू में बैठे हैं,